बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के घर पर ही ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। मधेपुरा मुख्यालय के कॉलेज चौक पर ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। मौके पर मौजूद ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर मुरारी ने कहा कि पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, जिसके खिलाफ हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डोमिसाइल कानून को लागू करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर के बिहारियों को उनका हक और अधिकार मिला, लेकिन इस सरकार के द्वारा डोमिसाइल नीति हटाकर बिहारी छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है, जिसे हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मधेपुरा समाजवादी की धरती रही है और जब बिहार के लगभग 50 वर्षों के बाद यहाँ के शिक्षा मंत्री बना तो मधेपुरा ही नहीं पूरे बिहार और कोसी सीमांचल के छात्रों में एक आस जगी थी और उनसे काफी उम्मीद थी। और आज आप देख सकते हैं कि लगातार शिक्षा मंत्री महोदय और नीतीश कुमार जी का जो यह नया कार्यकाल है वह विवादित रहा है। और आप कल ही देखिए बीपीएससी के छात्रों अभ्यर्थियों को किस तरह से पटना में दौरा दौरा कर पीटा गया, उसके विरोध में। और लगातार जो बाहरी छात्रों को इन लोगों ने कहा कि बीपीएससी की परीक्षा में बिहार के बाहरी छात्रों को, क्या आपको लगता है कि राजस्थान में बिहार के छात्रों को शिक्षक बहाली में लिया जाता है, उत्तर प्रदेश में लिया जाता है, झारखंड में लिया जाता है? जब बिहार के छात्रों को बाहरी राज्यों में नहीं लिया जाता है तो आखिर नीतीश कुमार जी किस नशे में बिहार में बीपीएससी शिक्षक बहाली होने वाली है, उसमें बिहार के बाहरी छात्रों को इन्होंने कहा कि भरा जाएगा। आप एक तरह से समझ सकते हैं कि बिहार सरकार एक तरह की नशा कर रही है। जब से बीपीएससी बहाली चालू हुआ, नशा टूटती है, एक नया संशोधन कर देती है। लगातार बीपीएससी शिक्षक बहाली जो है विवादों में रहा है, उसको लेकर के आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का यह पुतला दहन किया गया। और हम कहना चाहते हैं कि अगर नैतिकता बची हुई है तो नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, ताकि छात्रों का एक हुजूम उनके साथ होगा। और आपको कहना चाहते हैं कि काफी उम्मीद थी तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार से, लेकिन आज छात्रों का गुस्सा उबाल पर है।